तो फिल्मी डोज के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर सबसे पहली और बड़ी खबर हमारे पास निकल के आ रही है थालापति विजय की आने वाली फिल्म लियो से। तो लियो फिल्म का रन टाइम और सेंसर सर्टिफिकेशन हो चुका है। बात करें अगर रन टाइम की तो लियो फिल्म 2 घंटे 43 मिनट की होगी। वही फिल्म को सर्टिफिकेट मिला है यूए का, यानी आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हो। और ये फिल्म रिलीज हो रही है 19 अक्टूबर के मौके पर। वही बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है डायरेक्टर बोयपति श्रीनु से। तो डायरेक्टर श्रीनु ने कहा है कि वो अपनी अगली फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ बनाना चाहते हैं। अगर अल्लू अर्जुन हाँ करते हैं तो ये फिल्म बहुत ही जल्द फ्लॉप पर जाने वाली है। हालांकि ऐसा होने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि इनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सकंदा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। तो मेरे हिसाब से तो अल्लू अर्जुन को इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? वही बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सलार फिल्म से। तो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार से इनके विलन यानी पृथ्वीराज सुकुमारन लुक लीक हो चुका है। जी आप सही सुन रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मेकर्स को इस चीज पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? वहीं बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जवान फिल्म ने 1100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, और वहीं इस फिल्म ने इंडिया से 621 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ ये फिल्म बन चुकी है शाहरुख खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। तो क्या गाइस, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।